नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंच फैमिली के एक और एपिसोड में। दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या टाटा पंच को लेकर हम ऑफ रोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरह से उनकी व्हील बेस है और सस्पेंशन की स्ट्रेंथ है, आप ऑफ रोड आराम से कर सकते हो। जहां तक बात करना चाहते हैं कि काफ़ी लोग विलेज एरिया में रहते हैं और वो चाहते हैं कि टाटा पंच को अपने गाँव में यूज करें, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऑफ रोड के लिए टाटा पंच काफ़ी शानदार गाड़ी है और आप इसमें कहीं भी रिग्रेट महसूस नहीं करोगे कि आपने टाटा पंच खरीदा है। और जहां तक बात है इसकी सीटिंग की, तो आपको सीटिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल इसमें होते हुए नज़र आती है। हमने काफ़ी सारे यूजर्स से इंटरेक्ट किया जिनके पास टाटा पंच पहले से अवेलेबल है और हम खुद गाड़ी में बैठ के इसको एक्सपीरियंस किया है। हमको पता चला है कि अगर आपके पास टाटा पंच है तो आप ऑफ रोड आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह के किसी भी न्यूज़ के लिए या किसी भी तरह क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमसे पूछते रहें।